हेलो फ्रेंड्स, तिवारी वेजिटेरियन रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ ढोकला इडली की रेसिपी। ये बहुत ही जल्दी बन जाती हैं और बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप सूजी, ये बारीक वाली सूजी है, आपके पास नहीं है तो आप मोटी वाली भी ले सकते हैं। 1/2 कप बेसन, इसे अच्छे से छान लेंगे। इससे क्या है, जो बैटर हम बनाएंगे उसमें गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। 1/2 कप मिक्स कर देंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 कप दही, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी एक बार में ज़्यादा ना डालें, नहीं तो आपका बैटर पतला हो जाएगा। मिक्स कर देंगे अच्छे से इसे। थोड़ा पानी और ऐड करेंगे इसमें। पानी मैंने इसमें 1/2 कप से भी कम यूज किया है। मिक्स कर देंगे इसे अच्छे से। अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच अदरक ग्रेट किया हुआ, 1/2 चम्मच लहसुन ग्रेट किया हुआ, 1/2 चम्मच कुटी हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच शक्कर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। इसे अच्छे से मिक्स कर दें। इसमें डालेंगे 1 चम्मच नींबू का रस। खट्टा मीठा आप अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हैं। आप चाहें तो 1 चम्मच और नींबू का रस ऐड कर सकते हैं। बैटर्स का थिकनेस इतना ही होना चाहिए। अब इसे ढक कर के 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि सूजी हमारी अच्छे से फूल जाए। अब इडली के सांचों को तेल से ग्रीस कर लेंगे ताकि ढोकला चिपके नहीं। स्टैंड में 1 गिलास पानी डाल करके गर्म होने के लिए रख देंगे। बैटर रेडी है, अच्छे से सूजी फूल गई है। इसकी थिकनेस इतनी ही रखें, न ज़्यादा गाढ़ा न ज़्यादा पतला। अब इसमें डालेंगे एक पैकेट इनो। ये 1 चम्मच के करीब इनो है। इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे ताकि इनो एक्टिवेट हो जाए। इसे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, इसे ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, हल्के हाथों से करना है। अब इडली के सांचों में बैटर डालेंगे। इसमें इनो डाल करके ज़्यादा देर तक बैटर को नहीं रखना है, पानी गर्म करने के लिए रखते हैं, इसके बाद ही इसमें इनो ऐड करें। इसी तरह से सारे सांचों में बैटर ऐड कर देंगे। पानी गर्म हो गया है, अब सांचों को स्टैंड में लगा देंगे। और उसे ढक करके 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। ढोकला हमारा पक गया है। अब इसे चाकू की हेल्प से चेक कर लेंगे। ढोकला इसमें चिपका नहीं है, इसका मतलब ढोकला अच्छे से पक गया है। अगर आपका चिपकता है तो आप उसे 1 से 2 मिनट के लिए और पका लें। अब इसे निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही इसे निकालें, नहीं तो ये टूट सकता है।
हल्के हाथों से निकालेंगे, ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। ये देखिए ढोकला बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बना है। इसी तरह से सारे ढोकलों को निकाल लेंगे। ढोकला हमारा रेडी है, बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी है। अब इसमें तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए इसे चार टुकड़ों में कट कर लेंगे। इसी तरह से सारे ढोकलों को कट कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी, आप इसमें तेल भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच राई, आप यहाँ पर सफ़ेद तिल भी डाल सकते हैं आधा चम्मच। 2 पिंच हींग, 3 हरी मिर्च लंबे टुकड़े में कटे हुए, कुछ करी पत्ते, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढोकला इसमें डाल देंगे और फ्राई कर लेंगे। इसे ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ी देर ही करना है। ढोकला रेडी है, अब इसे निकाल लेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी तड़का लगाने का दूसरा तरीका। आधा चम्मच घी लेंगे, आप यहाँ तेल भी ले सकते हैं। आधा छोटी चम्मच राई, यहाँ पे तेल भी डाल सकते हैं आप। 1 पिंच हींग, 2 हरी मिर्च लंबे टुकड़े में कटे हुए, कुछ करी पत्ते, इसे मिक्स कर लेंगे। आधा कप के करीब पानी ऐड करेंगे इसमें। आधा चम्मच शक्कर पाउडर डालेंगे इसमें, स्वाद के अनुसार नमक, 1 चम्मच नींबू का रस। नमक मैंने आधा छोटा चम्मच डाला है इसमें। इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ी देर पकाना है। तड़का रेडी है, गैस बंद कर देंगे। ढोकले में तड़के को डालेंगे, इससे क्या है ढोकला हमारा बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगा, ये बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं। सभी ढोकले में अच्छे से डाल देंगे और धनिया पत्ता भी डाल देंगे। आप यहाँ पे नारियल भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा तड़का ज़्यादा पसंद आया। ग्रीन चटनी के साथ इसे सर्व करें। आप इसमें नारियल भी ग्रेट करके डाल सकते हैं।